हेलो वंस अगेन. सो अगर सपोज करें हमने फैसला कर दिया कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम ये कैसे फैसला करेंगे कि क्या ये चीज़ वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है. स्क्रीन पे तो आपकी प्राइसेस आती हैं, तो आपको ये फैसला करना है कि चीज़ें सस्ती हैं या महंगी हैं. अब कन्वेंशनली फाइनेंशियल थ्योरी हमारी ये कहती है कि तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, जिनको आप देख के वैल्यू निकालते हैं. फॉर इंस्टेंस एक स्टॉक है जो 10 रुपये का चल रहा है और उसकी वैल्यूएशन आ रही है 20 रुपये की, तो हम उसको कहते हैं अंडर वैल्यूड है, अपनी वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है. और अगर एक स्टॉक है जो 20 रुपये का ट्रेड कर रहा है, उसकी फंडामेंटल वैल्यू 10 रुपये आती है, तो उसको हम ओवर वैल्यूड कहते हैं कि 10 रुपये इसकी फेयर वैल्यू है लेकिन ये 20 रुपये पर आज ट्रेड कर रहा है. तीन फंडामेंटल वैल्यूएशन मेट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं आज तक हिस्टोरिकली जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं. एक तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो. इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप देखते हैं कि अगले 5 साल या 10 सालों के अंदर कितने आपके पास कैश जनरेट होगा और उसकी आप आज वैल्यू निकाल देते हैं उसको डिस्काउंट करते हुए, कि 3 साल बाद के जो 100 रुपये हैं वो आज के 100 रुपये के हिसाब से नहीं है, वो आज के हिसाब से क्या पता 70 रुपीज़ हो या 80 रुपीज़ हो. एक हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो, दूसरा हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो. फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है जो रेस्टोरेंट है, वो साल में 1 करोड़ का फ़ायदा कमाता है और सब चीज़ें निकाल के, खर्चा निकाल के, और उसकी वैल्यू आज चल रही होती है 8 करोड़. सो 8 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ ये होता है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स. इसको हम PE मल्टीपल कहते हैं. सो 8 PE मल्टीपल हम कहते हैं इस पर आज ट्रेड कर रहा होता है. सो एक ये मैट्रिक होता है PE मल्टीपल क्या है किन एसेट्स का. आज के हालातों में जब अर्निंग्स होती नहीं है लोगों की कंपनीज़ की और काफ़ी डिप्रेस्ड होती हैं या लॉन्ग टर्म साइक्लिकली एडजस्टेड वैल्यूएशन से नीचे होती है, तो काफ़ी लोग टेंजिबल बुक वैल्यू को भी देखते हैं कि इनहेरेंट वर्थ कितनी है एसेट की. अगर इनहेरेंट वर्थ फॉर इंस्टेंस एक एसेट की 50 रुपये है फी शेयर और वो ट्रेड कर रहा है 20 रुपये पे, तो हम उसे कहते हैं ये अपनी इनहेरेंट बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, इट्स अंडर वैल्यू. और अगर बुक वैल्यू उसकी 50 रुपये है और वो 150 रुपये का स्टॉक चल रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि ये अपनी बुक वैल्यू से ओवर वैल्यूड है. सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन मेट्रिक लगाए जाते हैं एट डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट टाइम्स. आज के हिसाब से लोग अपने एनालिस्ट कम्युनिटी जब वैल्यूएशन कर रही होती है तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे इन शॉर्ट टर्म बहुत कम वैल्यू मिलती है. बट इसेंशियली दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन जब हम कंपनीज को देख वैल्यू करते हैं कैश फ्लो बेसिस पे, क्योंकि आपको समझना चाहिए आप कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और अगर वो डिविडेंड आपको देने लगते हैं दैट मीन्स वो एक ईमानदार कंपनी की निशानी होती है कि वो अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर जैसे आप और मैं के साथ अपने डिविडेंड शेयर करने के लिए अग्री करते हैं. ये तीन मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज व्हिच आर आल्सो अफेक्टिंग द स्टॉक मार्केट एट द सेम प्राइसेस. दिस इज व्हाई द स्टॉक इज नॉट ट्रेडिंग एट द फेयर वैल्यू फॉर 90% ऑफ द टाइम्स. इज ट्रेडिंग क्लोज टू द फेयर वैल्यू और अबव द फेयर वैल्यू और बिलो द फेयर वैल्यू. ये चीज़ें हमेशा देखनी होती हैं जब आप अपने रिसर्च एनालिस्ट से बात करें या आप अखबार पढ़ें या आप अपने फंड मैनेजर्स के साथ डिस्कस करें.